हाँ सर देखो, हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। प्लीज इधर बेटा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, MCQs में। ये तो आपको वैसे भी आता, मैं इसको दोनों मेथड की वजह से समझाना चाह रहा हूँ। जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, आपके पास है, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और इसमें अल्फा बीटा इसके जीरोज दे दिए, ठीक है। जैसे ही आपसे कहे अल्फा बीटा, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस, ठीक है सर, तो आपके पास आ जाएगा फाइव। अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाई ए है, सी आपके पास सिक्स है, ए आपके पास वन है, सिक्स बाई, ठीक है, तो ये आपके पास है, क्लियर है। प्लीज़ देखिए, आपसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, फाइव, और माइनस थ्री अल्फा बीटा कितना आया हमारे पास, सिक्स, तो थ्री सिक्स जा एटीन, माइनस के एटीन प्लस के फाइव माइनस के थर्टीन, तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, ये बस, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था ये तो ईजी क्वेश्चन है, अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है सर, अगर आपको कभी हमारे पास क्या हो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कि नहीं हम वैल्यूज़ कैसे निकालें, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसा हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इसके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, इसके ज़ीरोज़ आएंगे एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू, ठीक है सर, तो ज़ीरोज़ आएंगे थ्री टू, क्या आएंगे थ्री टू, तो अगर आपसे कहते नहीं सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह का भी दे देता है ना कभी कभी, आपसे कहते थ्री अल्फा बीटा निकालो, तो इसको अल्फा बीटा में ना सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व करना आसान होता है। तो अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स, तो एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू प्लस नाइन थर्टी, ठीक है। तो दोनों मेथड आपके पास रहते हैं, क्योंकि यहाँ MCQs में ये स्टेप्स कोई मायने नहीं रखते, आपका तो सिर्फ टिक मायने रखता है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। अब ज़रा एक क्वेश्चन देखो जिसको करने में आपको टाइम लगेगा, आते ना है तो नोट करना इसको भी, और देखो सर ज़रा इधर आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है सर, इसको देखो, यहाँ से आपको कहानी समझ में आएगी कि MCQs हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, ठीक है, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोम, आपके पास पॉलिनोमियल है फोर क्यूब रूट, ठीक है, फोर स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री आर, ये ज़ीरोज़ हैं। तो एक तरीका तो ये होता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकता है, अभी तो पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है, आपके पास क्या है, प्लीज़ दा देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी दोनों चीज़ों की, फोर अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फैक्टराइज किया भी है, पॉलिनोमियल्स में रूट वाले नहीं करे हैं लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट वाले भी दिए हुए हैं, याद है, तो आप इसको फैक्टराइज कैसे करते थे, आप इसको मल्टीप्लाई करते थे, है ना भाई, याद है कुछ, तो फोर टू जा एट, रूट थ्री थ्री, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो फोर अंडर रूट थ्री इंटू टू अंडर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी फोर आएगा, क्या आएगा, ट्वेंटी फोर को फैक्टराइज करना था जिससे माइनस करके फाइव आ जाए, माइनस करके फाइव आ जाए, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट तो एट इंटू थ्री हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप एट माइनस थ्री करोगे तो फाइव आएगा, कुछ समझ में आया, तो आपके पास क्या हो रहा है, फोर अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख रहे हो एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू अंडर रूट थ्री, समझ में आया, यहाँ से आपके पास फोर कॉमन है, यहाँ से आपके पास एक्स कॉमन है, तो आपके पास क्या आएगा, फोर एक्स बचेगा, क्या सर, रूट थ्री एक्स प्लस का टू बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ थ्री है और रूट थ्री है, हाँ भाई, थ्री और रूट थ्री में से रूट थ्री कॉमन आएगा, बीच में साइन क्या का है, माइनस का, तो रूट थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, रूट थ्री कॉमन आ चुका आपके पास, ठीक है, यहाँ भी रूट थ्री बचा होगा, है भाई, तो यहाँ भी हमारे पास रूट थ्री बचेगा,
तो यहाँ आएगा रूट थ्री एक्स माइनस, रूट थ्री कॉमन आ चुका, माइनस से साइन चेंज हो चुका, तो बचेगा क्या प्लस, तो आपके पास क्या बचा रूट थ्री एक्स प्लस टू, तो रूट थ्री एक्स प्लस टू और आपके पास क्या बचा सर फोर एक्स माइनस रूट थ्री, तो ये तो फैक्टर्स आए, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस टू बाई रूट थ्री, और इसकी वैल्यू क्या आएगी सर x इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई फोर, तो माइनस टू बाई रूट थ्री कहाँ है सर हमारे पास, माइनस टू बाई रूट थ्री यहाँ है ना भाई, और माइनस टू बाई रूट थ्री यहाँ भी है और यहाँ भी है, या नहीं है खैर, और रूट थ्री बाई फोर प्लस में कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है सर, तो बी हमारा ऑप्शन, तो एक मेथड तो ये है लेकिन ये भी लेंथी मेथड है, ठीक है, सबको आता है। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना MCQs जो होते हैं, MCQs हमें ये नहीं किस तरह से करना है। अब दूसरा हमारे पास मेथड क्या होता है, पहला मेथड तो ये था, दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम इसको चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चेक, लेकिन ये जो अंडर रूट्स में दिखाई दे रहा है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी चलो चेक करते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इसको रखने से जीरो हो जाना चाहिए, यस और नो, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है, अगर ये हमारा आंसर सही है तो रूट थ्री बाई फोर रख के देखते हैं, रूट थ्री बाई फोर जब आप रख के देखोगे तो ये आएगा सर फोर अंडर रूट थ्री एंड रूट थ्री बाई फोर का स्क्वायर, किसकी जगह रखा आपने x की जगह, फिर आपसे क्या कह रहा है फाइव एक्स, इसकी जगह भी आप क्या रखोगे रूट थ्री बाई फोर, फिर आपके पास क्या बचा सर माइनस टू रूट थ्री, बात समझ में आ रही मैंने क्या किया है, जैसे आप पॉलिनोमियल्स में वैल्यू रखते थे भाई अगर ये जीरो है तो इसके रखने से ये जीरो हो जाना चाहिए, तो पहला था सॉल्यूशन, दूसरा था चेकिंग कि हम चेक ही करके देख लें कौन सा हमारा आंसर है कौन सा नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर अंडर रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर होता है सर थ्री, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सर सिक्सटीन, ये तो ऐसे ही आ जाएगा फाइव रूट थ्री बाई फोर, माइनस का क्या आएगा सर टू रूट थ्री, फोर से सर तो फोर फोर एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम फोर, तो यहाँ रह जाएगा थ्री रूट थ्री, क्या रह जाएगा थ्री रूट थ्री, यहाँ पे भी फाइव है तो यहाँ पे यही आ जाएगा फाइव रूट थ्री, यस और नो, फोर से यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा सर एट रूट थ्री, अब आप खुद देखो ये प्लस हो रहा है फाइव प्लस थ्री एट रूट थ्री, और ये एट रूट थ्री माइनस हो रहा है तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचाएगा जीरो बाई फोर, तो जीरो आ गया सर समझे, तो जिसके रखने से हमारा जीरो आ रहा है तो हमारा आंसर है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो दो जीरोज दिए होंगे, अब दो जीरोज दिए होंगे तो रूट थ्री बाई फोर प्लस में मेरा आंसर है, तो या तो यहाँ है या यहाँ है, बाकी दो जगह रूट थ्री बाई फोर क्या है माइनस में है, अगर माइनस में है तो सर इसका मतलब तो मेरा जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब ना ये ऑप्शन होगा सर अब ना ये ऑप्शन होगा, रूट थ्री बाई फोर तो होना ही होना है, तो जहाँ जहाँ रूट थ्री बाई फोर है वो चांसेस हैं, बात समझ में आ गया भाई, हम सारों को क्यों चेक करें, हम उसी को चेक कर लें जो उसके साथ है। अब या अगर यहाँ ये ना होता, अगर ये नहीं होता तो फिर ना हम इसको चेक करते ना इसको चेक करते, बात समझ में आ गई, तो ये ऑप्शंस होते हैं कि भाई इन्हें इन्हें हटाओ एलिमिनेट करो। तो अब हमारे पास क्या प्लस वाला है, तो प्लस वाला यहाँ मिल रहा है और अब इसके साथ कौन आ रहा है, या तो टू बाई रूट थ्री प्लस में या टू बाई रूट थ्री, तो एक को चेक कर लो दूसरा अपने आप आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई, मान लो मैं इसको चेक करूँ और ये आंसर नहीं तो ऑब्वियस सी बात क्या है ये आंसर है, और मैं इसको चेक करूँ यही आंसर है तो ठीक है यही है, नहीं है तो फिर ये वाला आंसर है, तो इस तरह से आपको MCQs को सॉल्व करना होता है। तो ज़रा टू बाई रूट थ्री करके देख लीजिए, अगर यहाँ मैं रखूँ सर यहीं डायरेक्ट, अब थोड़ा सा ऑप्शन क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो कम से कम लिखना है फोर रूट थ्री एज इट इज़ है ना भाई, अब तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा था, अब दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो, x का स्क्वायर, x क्या है सर टू बाई रूट थ्री, टू का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स को आपने क्या लिया है टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री और बाकी हमारे पास क्या है टू रूट थ्री, आगे सर समझ में, तो आपके पास क्या आएगा इधर देखो रूट थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा रूट थ्री एल सी एम आएगा, कितना आएगा रूट थ्री, ऊपर क्या हुआ सर फोर फोर जा फाइव टू जा भाई, यहाँ भी रूट थ्री यहाँ भी रूट थ्री कुछ होना नहीं है, ये रूट थ्री यहाँ मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री 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 टू जा सिक्स, ये हमारे पास है, तो अब आपके पास क्या आ रहा है ट्वेंटी सिक्स माइनस सिक्स ट्वेंटी बाई रूट थ्री, ट्वेंटी बाई रूट थ्री का मतलब है कि जीरो नहीं आया है, तो इसका मतलब ये मेरा जीरो नहीं है, और अभी हमने चेक किया था प्लस वाला तो नहीं था तो कौन था, ये मेरा आंसर है, तो ये है दूसरा मेथड। लीनियर इक्वेशन में भी कर सकते हो, एक्स वाई आपसे कहते हैं देखो इसके सॉल्यूशन है या नहीं, उठा के रख के चेक कर लो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, अभी करेंगे उसको भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक कर सकते हो, पॉलिनोमियल में चेक कर सकते हो, कभी कभी आपसे कह देगा मान लीजिए आपसे ट्रिग्नोमेट्री में कह दे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ठीक है वन बाई टू किसके लिए होता है, तो यहाँ थीटा रख के देख लो, उस तरह से मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते हो। तो दूसरा मेथड हमारा क्या हुआ बाय चेकिंग, कि अगर ये सॉल्यूशन है तो ये फिर क्या करेगा
सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा? तीसरा और सबसे इजी मेथड देखो सर अब, और इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखो सर, अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है, आपको क्या मालूम है कि ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा, प्लीज़ जरा देखो जरा ध्यान से, दो सेकंड में आंसर आएगा, माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, अल्फा हमारा माइनस बी, बी हमारा कितना है सर? तो माइनस फाइव, और ए हमारा कितना है सर? बात समझ में आ गई? तो मुझे ऐसे जीरोस चाहिए जिनका सम माइनस फाइव अपॉन फोर रूट थ्री हो, जिनका सम, जरा इनका सम बताओ मुझे क्या होगा, अगर दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पेन ना चले, मेरे पास क्या है रूट थ्री बाई फोर, दूसरा क्या है टू बाई रूट थ्री, जब आप एलसीएम लोगे फोर रूट थ्री आएगा, क्या आएगा? समझ में आ रहा है सबको, हो क्या रहा है? फोर रूट थ्री आ गया, आ गया नहीं आ गया? लेकिन रूट थ्री, रूट थ्री, फोर टू जा एट, ठीक भाई, फोर टू जा सिक्स, नहीं अच्छा एट होता है, वो उधर से टेबल सिक्स की चल रही है, तो एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन अपॉन फोर रूट थ्री, नहीं है सर, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये आंसर ही नहीं है, खत्म हो गई कहानी, कहाँ इतनी ताकत लगाएं, यहाँ आओ सर जरा देखो, फोर रूट थ्री एलसीएम, रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, फोर टू जा एट माइनस के, माइनस एट प्लस थ्री माइनस के फाइव, आंसर आ गया, ये मेरा आंसर, सर समझ में आ रहा है? यहाँ आओ सर जरा देखो, रूट थ्री थ्री माइनस के थ्री माइनस के एट माइनस के इलेवन, नहीं है सर, सॉरी, समझ में आ रहा है जी? यहाँ देखो सर, रूट थ्री थ्री माइनस के थ्री माइनस के एट, आगे आ जाओ ना सर, पूरी बेंच खाली पड़ी है, इतने तो स्टूडेंट भी नहीं है जो इतने परेशान हो रहे हैं, यहाँ जाओ, किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे आ जाओ, ठीक है भाई? रूट थ्री माइनस थ्री, फोर टू जा एट, देख लो जी सर।